हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं चॉको चिप्स कुकीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये कुकीज़ जो है बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और ये कुकीज़ जो है बहुत ही आसानी से और बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन कर के तैयार हो जाते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने एक बाउल में हाफ कप बटर को जो है रूम टेम्परेचर पर लेंगे और हाफ कप पाउडर शुगर जो है मैंने घर पे जो हम चीनी यूज करते हैं उसे ग्राइंडिंग जार में पीस लिया है और इसे मैंने पाउडर शुगर बना लिया है। अब इसे हम हैंड विस्कर से अच्छे से विस्क करेंगे जब तक ये क्रीमी और फ्लफी नहीं हो जाता है। इसे खूब अच्छे से हम विस्क करेंगे। इस प्रोसेस में हमें 15 से 20 मिनट लगेगा। इसे हम जितना अच्छे से मिक्स करेंगे ये बहुत ही अच्छे से क्रीमी और फ्लफी हो जाएगा और इसका कलर भी बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ये देखिए, इसका कलर जो है बिल्कुल चेंज हो गया है और एकदम क्रीमी हो गया है। हमारा बटर क्रीम जो है बिल्कुल बन करके तैयार हो गया है। अब चलिए हम इसमें अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। एक छन्नी ले लेंगे और उसमें 1 कप मैदा डालेंगे और 1 कप गेहूं का आटा। आप चाहें तो केवल गेहूं का आटा या केवल मैदा यूज कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से छान लेंगे। इसमें मैंने 1 पिंच नमक डाला है। इसमें मैंने बेकिंग सोडा का यूज़ बिल्कुल नहीं किया है और 1 टेबल स्पून वनीला एसेंस डालेंगे। अब इसे अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करेंगे। इसे हमें बटर क्रीम में खूब अच्छे से अपने आटे को मिक्स करना है। जितना अच्छे से ये बटर क्रीम में मिक्स होगा उतना ही हमारा जो कुकीज है बहुत ही खस्ता बनेगा और क्रिस्पी बनेगा। इसे हमें बटर क्रीम में खूब अच्छे से पहले मिक्स कर लेना है। अगर हमारा मिक्सचर जो है सूखा लगेगा तो इसमें थोड़ा सा दूध या पानी का यूज़ करेंगे। इसमें हम 2 टेबल स्पून के जितना मैंने दूध का यूज़ किया है। अब इसे हम अच्छे से गूंथ लेंगे और एक टाइट डो तैयार करेंगे। ध्यान रहे, हमारा डो जो है बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। डो हमारा जितना टाइट रहेगा हमारे बिस्किट जो है उतने ही खस्ते बनेंगे। इसीलिए हमें डो को जो है बहुत ही टाइट गूंथना है। अब हम इसे डो को 2 पोर्शन में तोड़ेंगे और इसके इक्वल पोर्शन में लोई तोड़ लेंगे और इसे कुछ देर के लिए हम 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। तब तक हम इसके लिए एक ट्रे तैयार कर लेंगे कुकीज़ बनाने के लिए। बटर से इसे ग्रीस करके तैयार कर लेंगे। अब हम इसे एक लोई को अपने हाथों में लेंगे और इसे रोल करेंगे और अपनी हथेलियों की हेल्प से इसे फ्लैट कर लेंगे। ऐसे हम अपने सारे कुकीज़ को पहले बना करके तैयार कर लेंगे। आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा जितना भी कुकीज़ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से इसे बना सकते हैं। ये देखिए, मैंने ट्रे को जो है पहले से ग्रीस करके और उसमें बटर पेपर लगा करके तैयार कर लिया है। अब इसमें कुकीज़ को अपने रखेंगे और उसे थोड़ा थोड़ा दूर पर रखेंगे क्योंकि जो कुकीज़ जब हम बेक करेंगे तो हमारे कुकीज़ जो है फूलेंगे। इसीलिए हमें थोड़ा इसे बीच में स्पेस दे करके कुकीज़ को रखना है। अब इसके ऊपर अपने चॉको चिप्स को लगा लेंगे। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा चॉको चिप्स लगा सकते हैं, जितना भी आपको कम ज़्यादा लगाना है। पर से हल्का हल्का प्रेस कर लेंगे कुकीज़ के ऊपर से, फिर हम इसे बेक करेंगे। इसे बेक करने के लिए मैंने ओवन को प्रीहीट कर लिया है पहले से ही। ये देखिए, कुकीज़ जो है देखने में बहुत ज़्यादा ऐसे सुंदर लगता है और खाने में तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ख़ास करके बच्चों को ये वाले कुकीज़ जो हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। मेरा कुकीज़ जो है बिल्कुल तैयार हो गया है बेक करने के लिए। अब हम इसे अवन में बेक करेंगे 15 मिनट के लिए 180 डिग्री पर, और इसे 15 मिनट के लिए ऐसे छोड़ देंगे। फिर हम इसे चेक करेंगे। हमारा कुकीज़ जो है बेक हो चुका है। अब हम इसे ऐसे थोड़ा देर रेस्ट करने देंगे, फिर अब चेक करेंगे। ये देखिए, हमारा कुकीज़ जो है कितना क्रिस्पी बना है। और ये कुकीज़ जो है बहुत ही हेल्दी भी होते हैं क्योंकि इसमें आटे से बनाया गया है, इसमें किसी भी बेकिंग पाउडर का यूज़ नहीं किया गया है
और ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स को शेयर करिए। और मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।